आज से तकरीबन 850 से 900 साल पहले एक बुज़ुर्ग ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने अशआर के ज़रिए मुस्तकबिल में होने वाले अहम हवादिस और वाक़ियात के बारे में बताया। नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने अपने ज़ुहद व तक़वा से अल्लाह ताला का ख़ास क़ुर्ब हासिल किया। जिससे इन मुकर्रब बंदों ने वली, अब्दाल, कुतब और गौस जैसे मुकामात हासिल किए। लेकिन किस वली का क्या मुकाम है, उसका अहाता हम जैसे आम इंसान नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के वालिद का नाम सैयद अबू बकर था और आपका शजरे नसब हज़रत पीर अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म से मिलता है। हज़रत नेमत शाह वली इल्म व उर्फा के बहरे बेकरार की हैसियत से आने वाले मुस्तकबिल के नेक व बद, हैबतनाक और इबरतनाक वाक़ियात से पर्दा हटाते हुए मुसलमानों को गैब के राजों में झांकने का मौका फराहम करते हैं। अब तक 850 साल पर मुहित माजी और हाल के वाकयात को अपने अशआर के ज़रिए बयान फरमाया ताकि मुसलमान दीन इस्लाम पर कारबंद होते हुए अपने अखलाक सवारे और बातिल कुव्वत की कार्रवाइयों से आगाह रहें। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली मुस्तकबिल के वाकयात और हादसात की पेशगोई करते करते इंसान को क़ुर्ब क़यामत तक पहुँचा देते हैं। वो अपने एक शेर में फरमाते हैं, तर्जुमा, मुसलमान नमाज से गाफिल रहेंगे, लोग शहवत के कैदी होंगे, दुनिया में ऐसा ही होगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और फितराना अदा करने का शौक़ ख़त्म हो जाएगा, ये सब दिलों पे एक बोझ मालूम होगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आने वाले आइंदा हिस्सों में हम आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह की पेशनगोइयों से आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।